सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? तुम लोग सब कहानी याद रखना, तो फिर सुनो। अक्षय बेटा सुन, बहुत रात हो गया है बेटा, जाके सो जाओ। जाओ बेटा जाओ। थोड़ा सा होमवर्क बाकी है मम्मी, मैं बाद में सो जाऊंगा। आप तो सुबह से जागी हैं, आप सो जाइए जाइए। नहीं बेटा, मैं नहीं सो सकती, कल सुबह दर्जी वाले अंकल आएंगे। ये फ्रॉक लेने के लिए मुझे आज ही तैयार करना होगा, कल देना है ना। तो फिर मैं भी नहीं सोऊंगा मम्मी, आप पूरी रात सिलाई कीजिएगा तो मैं भी पढ़ूंगा। पागल लड़का। अक्षय के पिताजी प्रियनाथ अपने सर पे कर्ज की बोझ लेके इस दुनिया से चले गए। छोटे अक्षय को गोद में लेकर घर द्वार गाड़ी गहने सब कुछ बेचकर आके रहने लगी छोटी से कुटिया में और शुरुआत कर दी सिलाई बुनाई की काम। जो भी सिलाई बुनाई में आ जाता था कुछ पैसे, उसी में गुजारा करते थे ये माँ बेटे। देखिएगा मम्मी, मैं बड़ा होके आपकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। अक्षय के पक्के दोस्त मनिंद्र के पिता दिवेंद्र अक्षय और मनिंद्र के स्कूल के टीचर हैं। देखो अक्षय को कैसे हर साल हर क्लास में फर्स्ट आता है, इसे कहते हैं हीरे का टुकड़ा। सोच करके क्या कीजिएगा? अफसोस नहीं कर रहा, चिंता होता है अपने बेटे के लिए। छोड़ो, जा रहा हूँ स्कूल, देर हो रही है, अगले महीने से फाइनल परीक्षा शुरू होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या अक्षय, परीक्षा की सारी तैयारी हो गई? किया हूँ तैयारी, तुम कैसा किए हो? किया हूँ तैयारी सही से, मगर गणित को लेके चिंता हो रही है, सही से तैयारी नहीं हुई। हाँ, तू तो इस बार भी स्कॉलरशिप पाएगा, क्यों, ठीक ना? हाँ भाई, उस स्कॉलरशिप पे ही तो मुझे भरोसा है, वरना मेरी मम्मी कैसे मेरी सारी खर्च उठाती, स्कूल की फीस, किताब की खर्च। हाँ तू तो ठीक ही बोल रहा है, स्कॉलरशिप तो तुझे मिलेगा ही। अपने अपने पेपर पे ध्यान दो, समझे? सर्वनाश, और 30 मिनट बाकी है एग्जाम खत्म होने में, मैं फेल हो जाऊंगा। मास्टर जी। बोलो अक्षय, क्या बोल रहे हो? मेरा एग्जाम हो गया। अभी भी 30 मिनट बाकी है, एक बार पेपर को चेक कर लो, अभी बहुत समय है। मैं देख लिया मास्टर जी। ठीक है, वहाँ पे रख दो, घंटी बज जाएगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मनिंद्र। हाँ ठीक है, जाओ दोस्त, जाओ 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 दोस्त। अब मैं क्या करूँ? अब लग दे रहा हूँ। समय खत्म हो गया, अपना अपना पेपर जमा दे दो। ले लीजिए मास्टर जी मेरा कॉपी। दो दो। मैं जा रहा हूँ मम्मी, आज रिजल्ट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा ना मुझे? जरूर मिलेगा तुझे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बेटा। जा बेटा जा जा जा।
ऐसा कैसे हुआ अक्षय? इस साल तुम स्कॉलरशिप नहीं पाए। ये क्या मास्टर जी, मैं तो बहुत पढ़ा था। अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। मम्मी को बहुत तकलीफ होगा ये सुन के। क्या कर सकते हैं बताओ, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं पाए हो तुम। अगर गणित में अच्छे नंबर पाते तो होता। ठीक है। मैं जा रहा हूँ मास्टर जी। अजी देखे हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है हमारे बेटे का। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, वो कहाँ है? देखिए स्टडी रूम में होगा। बेटा बेटा बेटे कहाँ गया वो? ये क्या है? ये तो गणित का पेपर है, ये तो अक्षय का। कहाँ है तू? बाहर निकल, सच सच बता तू, अक्षय का गणित का पेपर तुम्हें कहाँ मिला? बोलो बोलो। मैं चोरी किया हूँ पिताजी। तुम चोरी किए? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा, इसके तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं मानूंगा, अब जो बोलिएगा मैं वो मानूंगा आपकी बात। मेरी बात सुनो, कल स्कूल का वार्षिक पुरस्कार मिलेगा। इस साल स्कूल में गणित में प्रथम हुआ है मनिंद्र। ये पुरस्कार पे मेरा हक नहीं, इस पुरस्कार पे अक्षय का हक है। मैं अपराध किया हूँ। जो अपराध तुम किए हो वो खत्म नहीं हुआ है। अक्षय का स्कॉलरशिप साल का 15 रुपए अब तुम दो। लेकिन कैसे पिताजी, मैं उतना पैसे कहाँ से लाऊंगा? एक साल तुम्हें पैदल स्कूल जाना होगा। जो तुम्हारा आवास का किराया बचेगा वही पैसा तुम अक्षय को दोगे। ठीक है पिताजी, ठीक है। यही तुम्हारा प्रायश्चित है।